कमबैक मूवी पठान का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मूवी में शाहरुख खान के साथ ही दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। सबसे पहले शाहरुख खान और फिर उसके बाद मूवी से दीपिका का लुक रिलीज किया गया। वहीं अब पठान के रिलीज में करीब 5 महीने का ही वक्त रह गया है। ऐसे में अब जॉन अब्राहम का लुक रिवील किया गया है। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर मूवी पठान से जॉन का फर्स्ट लुक रिवील किया है। शाहरुख ने एक छोटा सा टीजर शेयर किया जिसमें एक टाइम बॉम्ब फटता है और फिर धुएं के हटने के बाद जॉन अब्राहम नजर आते हैं। जॉन मोशन टीजर में एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं। शाहरुख ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, ये रफ है और रहता भी ऐसा ही है, पठान से जॉन अब्राहम। सोशल मीडिया यूजर्स को जॉन का ये लुक और स्वैग काफी पसंद आ रहा है। मूवी में जॉन अब्राहम विलन के किरदार में है और इस बारे में मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद कहते हैं, जॉन अब्राहम एंटागोनिस्ट है, पठान के विलन है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि विलन का प्रोजेक्शन अगर हीरो से बड़ा ना हो तो कम से कम उसके बराबर तो होना ही चाहिए। जब विलन खतरनाक हो तभी उनके बीच का टकराव शानदार हो सकता है। यह एसआर के और जॉन की फाइट नॉर्मल नहीं होगी। हम जॉन को सुपर स्लीक अवतार में पेश करना चाहते थे। पठान जनवरी 2023 में रिलीज होगी। मूवी में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा शाहरुख खान ने हाल ही में राजकुमार हिरानी के साथ मूवी डंकी का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। मूवी में शाहरुख खान की जोड़ी तापसी पन्नू के साथ बनी है। यह मूवी 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इन दोनों मूवी के अलावा शाहरुख खान डायरेक्टर एटली के साथ भी मूवी जवान में नजर आएंगे। कुछ ही वक्त पहले मूवी का एक टीजर रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। शाहरुख खान की जवान 2 जून 2023 को हिंदी के साथ ही तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज होगी।